भागलपुर के ईशाकचक इलाके में APLL संस्था द्वारा पॉलिथीन मुक्त बिहार जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें ईशाकचक थाना प्रभारी राम इकबाल यादव भी संस्था के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते दिखे और लोगों से पॉलिथीन मुक्त बिहार बनाने की अपील की। हालांकि बिहार में पॉलिथीन पर बैन लगाने के बावजूद लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। इसको लेकर ईशाकचक थाना प्रभारी ने सभी लोगों से अनुरोध किया कि पहले खुद पॉलिथीन का उपयोग करना बंद करें और फिर अन्य लोगों को पॉलिथीन उपयोग न करने के प्रति जागरूक करें। इसके साथ ही उन्होंने हिदायत भी दिया कि पॉलिथीन का उपयोग करना बंद करें, नहीं तो ऐसा करने वाले लोग कानूनी कार्रवाई के हकदार होंगे। सन्मार्ग के लिए भागलपुर से सोनू के साथ साकेत की रिपोर्ट। नई कानून आई है, इसमें कुछ समय दिया गया है कि जो स्टॉक में है उसको समाप्त कर लें और एक समय सीमा है, उस सीमा के बाद वो बिल्कुल वर्जित हो जाएगी। तो अभी जागरूकता अभियान चला करके इसको जागरूक लोगों को किया जाए, जब समय प्रतिबंधित का जब आ जाएगा तो उसके बाद बिल्कुल रोकने के लिए जो कानूनी शक्तियाँ है उसका उपयोग किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई। सर समय कुछ डेट भी है क्या? हाँ डेट है, फिक्स है। कितना? नए कानून में आपका 31 तक, ये संभवतः 31 दिसंबर है, अभी कन्फर्म नहीं बताएंगे लेकिन 31 दिसंबर तक का समय। आज APLL के द्वारा हम लोग घंटाघर चौक से लेकर फिर आदमपुर होते हुए और फिर घुरन फिरवा चौक होते हुए हम लोग बुढ़िया काली मंदिर इसाक सेक्टर, ये APLL का जन जागरूकता अभियान निकाले प्लास्टिक उन्मूलन को लेकर के। ऐसे तो ऑलरेडी अपने बिहार में प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है लेकिन फिर भी आज देखिए तो हमको लगता है, हम तो जिस भी दुकान में जाते हैं प्लास्टिक नज़र आ जाता है। तो इसको लेकर जब हम खुद जागरूक नहीं होंगे तो कोई भी कानून बना देने से कुछ होना नहीं है, इसलिए अपने से जागरूकता बहुत ज़रूरी है। इसी को लेकर एक छोटी सी शुरुआत हमारी है, हम उम्मीद करेंगे कि आज जितने भी लोगों तक यह मैसेज जा रहा है अपने स्तर पर कुछ नहीं कर पाए कम से कम खुद प्लास्टिक का उपयोग कम से कम कर दें, अगर टोटली बंद ना कर पाएँ। इससे आने वाले दिनों में हम लोग शुद्ध वातावरण में रह पाएंगे, हमारी भूमि स्वस्थ रहेगी, हमारा पानी स्वस्थ रहेगा, हमारा हवा स्वस्थ रहेगा और जब हमारा भारत स्वस्थ होगा तो ऑटोमेटिक भारत एक सुपर पावर बनेगा। सन्मार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।